पुलिस विभाग में कार्यरत कुछ पुलिस वाले ही विभाग की छवि को दाग दाग कर रहे हैं। ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, किसी पर ठगी तो किसी पर दुष्कर्म और किसी पर संगीन आरोप के चलते कार्यवाही किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते पूरे पुलिस महकमे में चर्चाएं तेज हो चुकी है। गौरतलब है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाने में एक निलंबित पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जहां इस मामले में निलंबित सिपाही को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं उसकी फरार पत्नी की तलाश की जा रही है और सदर पुलिस ने एक पुलिसकर्मी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला कलंदा थाने से सदर पुलिस के हवाले किया गया है तो वहीं नवीन कामठी थाने के एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदर पुलिस ने निलंबित नायब सिपाही कमलेश रामाजी जावलीकर उम्र 41 साल पुलिस क्वार्टर निवासी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कमलेश की पत्नी भी आरोपी है, वह फरार बताई जा रही है। जावलीकर दंपति ने मोतीचापुर के एक व्यक्ति को कम दाम में सोना देने का लालच देकर उनसे करीब 28 लाख रुपए की ठगी की है। दंपति के खिलाफ इसके पहले भी सदर तहसील और सीताबर्डी में भी इस तरह के मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। सदर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कमलेश को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है तो वहीं कमलेश की पत्नी की तलाश की जा रही है। इस मामले के तय तक जाए तो पता चलता है कि जावलीकर दंपति ने मोतीचापुर के व्यक्ति से जान पहचान होने पर उसे कम दाम में सोना दिलाने का लालच दिया है। पहले उन्हें 50,000 रुपए का सोना 40,000 में दिया, फिर 60,000 रुपए का सोना दिया और बताया कि हम विदेश से सोना मंगाते हैं। लालच में आकर उन्होंने 28 लाख रुपए दिए। इस बार ना तो सोना मिला और ना ही पैसे मिले। परेशान होकर पीड़ित ने जावलीकर दंपति के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण ठगी का मामला दर्ज कर निलंबित नायब सिपाही कमलेश जावलीकर को गिरफ्तार किया गया, जो करीब एक वर्ष से निलंबित है। पल्लवी जावलीकर या बाईने त्याला पहिल्यांदा सोन्यासाठी व माझ्याकडे कमी किमतीचं सोनं राहते आणि मी आम्ही GST वगैरे वापरून कमी करून आम्ही डायरेक्ट ते सोनं तुम्हाला देतो। त्यासाठी फिर्यादीनं दोनदा आरोपितांना पैसे दिले आणि त्यांनी त्याबद्दल खरं सोनं दिलेलं आहे। म्हणजे फिर्यादीने पहिल्यांदा 50,000 दिलं होतं, त्याला 60-70,000 खरं सोनं दिलं, नंतर पुन्हा त्याला त्यांनी 1,00,000 दिले, त्याला 1,20,000 खरं सोनं दिलं। त्यानंतर त्यांनी फिर्यादीला आरोपितांनी सांगितलं की तू आता मोठी रक्कम गुंतव याच्यामध्ये, आम्ही तुम्हाला जास्त देऊ। त्यानंतर फिर्यादीने 28 लाख जवळपास त्यांना दिले पण त्यांनी पैसे परत केले नाही आणि सोनंही दिलं नाही। त्यावरून पोलीस स्टेशनला फिर्यादी आला असता आरोपितांवर 406 भारतीय दंडविधान संहिता अन्वये गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्याच्यामध्ये कमलेश जावलीकर या निलंबित पोलीस कर्मचाऱ्याला आपण अटक केलेला आहे। दिनांक 17 दूसरा मामला नवीन कामठी पुलिस थाने से सामने आ रहा है, जहां नवीन कामठी पुलिस के अनुसार एसआई संजय पिल्ले को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल संजय पिल्ले के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के पास कुछ शिकायतें पहुंची थी। उन शिकायतों की छानबीन किए जाने के बाद संजय को निलंबित किए जाने का आदेश दिया गया। संजय के निलंबन की खबर से कामठी क्षेत्र के पुलिस महकमे में खलबली मच गई। संजय पिल्ले के विषय में वरिष्ठ अधिकारियों के पास काफी गंभीर किस्म की शिकायत पहुंचने की चर्चा है, जिसके बाद वरिष्ठों ने बेहद गोपनीय तरीके से छानबीन करवाने के बाद उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है। तो वही सदर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी अक्षय दिलीप बराई उम्र 32 को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी को 17 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सदर पुलिस के अनुसार आरोपी अक्षय बराई के खिलाफ कलंदा थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद यह मामला सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया और सदर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अक्षय बराई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसका पुलिस रिमांड हासिल किया है, जिसके विषय में जानकारी दी है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने। त्यामध्ये पोलीस स्टेशन सदर येथे अपराध नंबर 431/24 कलम 376 NM भारतीय दंडविधान संहिता गुन्हा नोंद आहे। याच्यामध्ये हा गुन्हा आधी कलमने येथे दाखल झाला होता, त्यामध्ये झिरोची कायमी करून त्यांनी पोलीस स्टेशन सदर येथे वर्क केलेला आहे। याच्यामध्ये हकीकत अशी आहे की फिर्यादीला लग्नाचं आमिष दाखवून आरोपीने सतत शारीरिक अत्याचार केलेले आहे। त्यावरून आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। अक्षय बारे नाव आहे त्यांचं आणि ते सस्पेंडेड कर्मचारी आहे, निलंबित कर्मचारी आहे आणि सध्या ते दिनांक 17 पर्यंत PCR मध्ये आहे।
गौरतलब है कि पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण करना है तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबंध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों की जान व माल की सुरक्षा करना है आदि सभी पुलिस के कर्तव्य में शुमार है। लेकिन इन तीनों मामलों से पुलिस की पवित्र वर्दी और सम्मान को ठेस पहुंची है, जो यकीनन शर्मनाक बात है, जिसे यह देखना काफी रोचक रहेगा कि आखिर न्याय व्यवस्था इस ओर क्या कदम बढ़ाती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमड़ी की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।